और सब गाइस कैसे हैं आप सभी। तो ऑनर व्यू 20 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है चाइना में, एंड वहीं तो यहाँ इंडिया में भी जनवरी मंथ में आएगा शायद। ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग डिवाइस है क्योंकि देखिए ऑनर व्यू 20 में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 48 मेगापिक्सल ऑफ गुडनेस। अभी तक तो हम सोच रहे थे 12 मेगापिक्सल, यार मेगापिक्सल का मत देखो, कैमरा क्वालिटी देखो, कैमरा इमेज क्वालिटी कैसा आता है वो तो ठीक है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मली 16 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल कैमरा में कैप्चर करेंगे, क्लिक करेंगे, अगर प्रिंटआउट इसका निकालेंगे तो प्रॉबेबली अराउंड 4 फीट बाय 5 फीट का अगर आप इमेज बड़ा वाला प्रिंटआउट निकालेंगे तभी जाकर उसका मैक्स टू मैक्स उतना ही आ सकता है क्वालिटी। सपोज आप समझ लीजिए लैंडस्केप का अच्छा एक पिक्चर निकाल कर आए हैं एंड वो वाला प्रिंटआउट निकाल रहे हैं तो प्रॉबेबली 4 फीट बाय 5 फीट का अगर प्रिंटआउट निकालेंगे तो वो मैक्सिमम हो गया उसका। एंड अगर उससे ज़्यादा आप प्रिंटआउट निकाल रहे हैं, ऑफकोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हम मोबाइल का कहाँ प्रिंटआउट्स लेंगे, लेकिन फिर भी मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि कितना डिटेल आता है एक 48 मेगापिक्सल कैमरा में। तो 4 फीट बाय 5 फीट एक 12 मेगापिक्सल कैमरा से आता है तो 48 मेगापिक्सल का आई थिंक प्रॉबेबली अराउंड 30 फीट तक आप इसका प्रिंटआउट अगर निकालेंगे तो भी उसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है बहुत ही बढ़िया लगता है। आप देखे होंगे ना कि जो बोर्ड रहता है, बड़ा बड़ा बोर्ड एडवर्टाइजमेंट का डाले रहते हैं बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वैसा वाला बोर्ड आप प्रिंट निकाल सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल में कैप्चर करके। तो सोचिए कि जस्ट एक हाफ इंच सीमॉस सेंसर इसमें लगाया गया है, मतलब यानी कि इतना सा छोटा सेंसर लगाया गया है, उतना सेंसर से वो 48 मेगापिक्सल का आपको इमेज दे रहा है, विच इज़ रियली ऑसम एंड इनोवेटिव इसको कहते हैं देखिए। एंड वहीं आपको ऑनर व्यू 20 में मिल रहा है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिवाइस बन गया है। अगर आप मोबाइल लेने के लिए सोच रहे हैं, कोई मोबाइल लेने के लिए, तो डेफिनेटली ऑनर व्यू 20 एक अच्छा मोबाइल हो सकता है। सिर्फ 48 मेगापिक्सल का बात नहीं, देखिए इसमें किरिन 980 जो इनका नया चिपसेट है विच सपोर्ट्स 3D TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो कहते हैं, मतलब कि अपना 3D फुल साइज इमेज आप उसमें जो मैनिपुलेट करके 3D इमेज बना सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अलग अलग तरीके से गेम्स खेल सकते हैं लाइक 3D विजन से, मतलब अपना जो 3D इमेज सेंसर रहता है मोबाइल वहाँ रख के अपने हाथ हो पैर हो ऐसे हिलाकर आप गेम्स खेल सकते हैं, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ रहता है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़्यादा हेल्प होगा। एंड वैसे ही 3D डेप्थ सेंसर रिकग्नाइज करके अपना फेशियल से अनलॉक होगा, तो ऐसे वाले इंटरेस्टिंग चीज़ सब ऑनर देता है। एंड यूजुअली ऑनर फोन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अफोर्डेबल रहता है एंड उसके साथ आपको बढ़िया फीचर सेट मिलता है। तो ऐसे में अगर आप मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वेट फॉर द जनवरी एंड फेब्रुवरी मंथ, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग डिवाइसेस आने वाले हैं। एंड इसमें तीन ऑप्शन है, एक तो 6GB 128GB का और एक 8GB 128GB एंड वन मोर इज 8GB 256GB। तो इसमें कोई भी लीजिए, स्टार्टिंग प्राइस प्रॉबेबली अराउंड 30-35,000 रुपीज़ रखेंगे इंडिया में, तो फिर भी 30-35,000 रुपीज़ में आपको इतना बढ़िया फीचर सेट मिलता है एंड एक सबसे यूनिक कैमरा आपको मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि ऑनर एवरी सिंगल टाइम कोई भी बजट फ़ोन ही क्यों ना हो, सारे के सारे फीचर सेट, प्रो मोड हो, मैनुअल मोड हो, ये सारे फीचर सेट लगाकर अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस देते हैं। जैसे कि देखिए नाइट व्यू मोड यानी कि लॉन्ग एक्सपोजर से भी आपका जो नाइट मोड लो लाइट सिचुएशन में पिक्चर कैप्चर करेंगे तो बहुत ही अच्छा इमेजेस आना चाहिए। ऑनर व्यू 20 में HDR नाइट शॉट मिलता है 12 मेगापिक्सल, तो ये भी एक इनोवेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप मान लीजिए कहीं पार्टी में हो या फिर कहीं एक एम्बियंस अच्छा वाला कलरफुल लाइटिंग एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर अगर क्लिक करेंगे पिक्चर्स तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइटिंग आपको पिक्चर में मिलना चाहिए क्योंकि 12 मेगापिक्सल का HDR नाइट शॉट मिलता है, यानी कि टोटल डिटेल्स जो रहता है सीनरी में वो सारा अच्छी तरह के से कवर होगा, तो इसकी वजह से वेरी इंटरेस्टिंग मोबाइल है। तो ऑनर का फ्लैगशिप मोबाइल होगा ये, तो इसलिए जनवरी टू फरवरी में लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। तो ऑनर व्यू 20 इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस एंड सिर्फ एक बढ़िया चिपसेट, एक बढ़िया इमेज क्वालिटी ही नहीं बल्कि आप 4000 mAh का रेटिंग वाला बैटरी मिलता है, तो बैटरी बैकअप भी डिसेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बढ़िया है, हम ज़रूर टेस्ट करेंगे इसको। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ऑनर व्यू 20 मुझे टेस्ट करना है या नहीं, तो इसका रिव्यू अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली मैं करूँगा। तो देखिए 4000 mAh वो भी 22.5 वाट्स का सुपर चार्ज है, मतलब कि अराउंड
हाफ एन आवर में अराउंड 50-55% तक ईजिली चार्ज हो जाएगा 0-2, तो वो भी एक वेरी नाइस थिंग ऑनर इंक्लूड करता है आपको। तो ऐसे में 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है विच इज़ LCD 1080p डिस्प्ले है, इसमें कुछ खासियत नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जो सेल्फी कैमरा के लिए है, अभी जो नया सैमसंग ने भी लॉन्च किया है ऐसे वाला इन डिस्प्ले, यानी कि इन डिस्प्ले जो सेंसर रहता है वो रहता है, एंड उसको सिर्फ एक कैमरा सेल्फी कैमरा के लिए कटआउट बनाया है, तो वहाँ से आपको आई थिंक 24 या 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी तो है ही इसमें। तो इन सारे फीचर सेट को अगर हम देखें तो आई थिंक जो भी फोटोग्राफी एंथुसियास्ट है, अगर आपको पिक्चर्स लेना पसंद करेंगे एंड इवन देखें एक यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं सभी लोगों से, तो डेफिनेटली ऑनर व्यू 20 एक अच्छा बाय हो सकता है। तो ज़रूर इसको टेस्ट करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे न्यूज़ के रिलेटेड वीडियोस भी बनाओ तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनर व्यू 20 एन अमेजिंग बाय। तो देखते हैं कि कितने प्राइस में लॉन्च होगा। ऑलराइट देन, सी यू ऑल इन अनदर वन, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।